परेशान होइएगा। हालांकि शिक्षा विभाग के इस निर्णय से मेरी भी असहमति है और हम लगातार इस विषय को लेकर सवाल भी खड़े करते रहे हैं कि ऐसे कर्मी जो अभी खुद जिसका नौकरी कंफर्म नहीं हुआ है, जिसकी नौकरी को लेकर अभी जांच चल रही है, आप उसको वित्तीय अधिकार दे रहे हैं, ये कहीं से भी सही नहीं है। ये सवाल हम लगातार खड़े कर रहे थे और मुझे जो महसूस हो रहा था कि ये लागू नहीं होगा, लेकिन हायर एजुकेशन मतलब जो हमारे बैजनाथ यादव जी पत्र निकाले थे, उस पत्र के बाद योगेंद्र सिंह भी पत्र निकाल दिए, तो हमें ये समझ में नहीं आया कि योगेंद्र सिंह जी का ये पत्र क्यों जारी हुआ। फिर पता चला कि छुट्टी के दिन जारी हुआ, उनका डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल हुआ, सिद्धार्थ जी कहे कि फिर से रिमाइंडर जाना चाहिए। तो हमको लगा कि भाई क्या वजह है कि बीपीएससी वाले सबको प्रभारी प्रचार बनाने के लिए सरकार इतना परेशान है। पहले तो पता चला हमको कि कुछ झोला वोला पहुंचा है, क्योंकि तो आजकल बड़ा मुश्किल है चीजों को समझना। पता चला कि भाई बैजनाथ बाबू का थोड़ा माथा गर्म हुआ है, किया गया है, इसलिए इस तरीके का पत्र जारी हुआ। खैर कुछ भी हो सकता है आजकल, लेकिन सिर्फ उसी आधार पर बहुत कुछ गणना नहीं किया जा सकता। सोचिए कि आज रविवार है, लेकिन कुछ क्योंकि तो बहुत लोगों का फोन आ रहा था, इसलिए हमको हंसी आ रही है। मतलब इतना ज्यादा कुर्सी जा, पता चला भाई कि आजकल हमारी नियोजित वाला जो है शिक्षा मित्र वाला सब जो है एकदम प्रिंसिपल वाला बोर्ड टांग के रखे हुए, घरों पर लगा के रखते हैं, स्कूल में तो रखते ही रखते हैं। आज जिसको एक साल से टोपी पहना रहे थे रोज, बड़ा पावर दिखाते थे स्थानीय होने का, बड़ी दर्द है इन लोगों को, बड़ी एकदम व्याकुल है भाई। हाँ जिनका फोन आया ना, हम तो कहीं पहले हम आपको कह दिए थे कि आप लोग तुरंत दे दीजिए, तो मोह ममता किस बात का रखे हुए है भाई? किस बात का मोह ममता है ये बताइए ना, काहे मोह ममता है, दे दीजिए। और औरंगाबाद वाला पत्र निकलने के बाद समझिए कि गजब, मतलब गजब का बेचैनी है भाई, गजब का बेचैनी। मतलब फोन से हम परेशान है, हंसी भी आता है और थोड़ा लगता है कि भाई कसम कस वाली स्थिति है। तो हम सोचे आज रविवार है, ये है सब नियोजित वाले लोग गरमाइल है, ये है क्या बात है, तक ठकठका देते हैं सरकारों के गलियारे में ठकठका लेते हैं कि आखिर फैसला का है। एगो चिट्ठी निकला सो निकला, दोबारा चिट्ठी निकाल दिया गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में डांट लगाई गई, काहे ने पत्र जारी कर रहे हैं, काहे ने प्रभार दे रहे हैं, फिर प्रभार देने पर लेकर पूछ दिया कैसे प्रभार दे, किसको प्रभाव दे, कैसे प्रभार दे, जो टॉपर है उसको प्रभार दीजिए, सेकंड टॉपर है उसको वित्तीय अधिकार जोड़ दीजिए, नीतिगत आदेश हो गया। औरंगाबाद वाला, औरंगाबाद वाला जानते ही है कि औरंगाबाद वाला फर्जी शिक्षक पकड़ने में भी एक नंबर है, मतलब आदेश का अनुपालन करने में औरंगाबाद के जिला पदाधिकारी का जोरा नहीं है भाई। हर देख लीजिए ना, सब जितना फर्जिया पकड़ा है औरंगाबाद में सबसे पहले, बाकी सब मरा हुआ है। तो नियोजित शिक्षक वाला सब जहां जहां बीआरसी के माध्यम से गोल 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 घुमा रहा, अब समझ में आ रहा हूं नेक्सस क्या है, जिस नेक्सस को सरकार तोड़ना चाहती है। बातचीत में सब पता चला कि इतना चिट्ठी देने के बावजूद भी नियोजित शिक्षक का प्रभार जो है, प्रिंसिपल का प्रभार बीपीएससी को शिक्षा विभाग वाला नहीं दे रहा है, बताइए। तो तब मेरा कान खड़ा हुआ कि कुछ तो बात है, आखिर सरकार इतना रिजिड क्यों हो गया। जानते हैं जब बात हुई तो बोलता है क्या सब लोग, संतोष जी जिस मास्टरवा का आप चर्चा करते हैं ना, वो यही सब है और ये एक चीज लागू नहीं होता होने दे रहा है आपको, हम क्या बताएं। पाठक इन लोगों के लिए ठीक था, उसी का राजी लोग था, हम लोग मान सम्मान किए, छुट्टी बढ़ाए, सब चीज किए, व्यवहार में भाई वेतन कटौती नहीं होना चाहिए, समय पर वेतन मिले इसको लेकर हम लोग 24 घंटे दिमाग लगाते रहते हैं कि कैसे समय पर सब लोगों को वेतन मिल जाए, लेकिन इस लोग सुधारने वाला नहीं है। आ कहते हैं कि पोस्टिंग और विशिष्टता, विशिष्ट शिक्षक, सबको मजा चखाना जरूरी है। हम कह लीजिए ऐसा क्या कर दिया, कहा नहीं 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 आप बहुत अभी नहीं समझ रहे हैं, अभी लोग क्या किया है। अब जैसे अभी तो बाद हमको पता नहीं था कि ऐसा भी होता है कि मोबाइल में फोटो डाले हुए हैं, अपना प्रिंसिपल को कह दिया, जैसे ही शिक्षा कोष वाला खोलता है ना उसमें फोटो खट से मार देता है, अब कैसे मारता है पता नहीं,
एगो पता चला है कि हमारे इलाके के एगो फिजिक्स टीचर है, जब हम बात तहकीकात करने लगे ना तो एगो प्रमाणित भी हो गया, हमारे इलाके में एगो फिजिक्स का टीचर है, उसका पोस्टिंग जो है सो कहीं और है, मतलब 50 किलोमीटर दूर है, और 10 बजे दिन तक कोचिंग पढ़ाता है, और उसके बाद मोटरसाइकिल स्टार्ट करके 11:30 बजे दिन में स्कूल पहुंचता है। उसका तो इस बार हम बैंड बजाएंगे, लेकिन इस तरीके से हजारों शिक्षक ये काम कर रहा है, जाना नहीं, पढ़ाना नहीं, कोई मतलब नहीं है, पूरा अनुशासनहीनता की स्थिति की वजह अगर एक वजह कहिएगा तो यही आपका मास्टरवा सब है। हम कहे सर क्या बात है, अरे सब मास्टरवा नहीं है, कुछ मास्टरवा है तो हम उसको भी अभी भी कहते तो ना 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 संतोष जी आप भ्रम में मत रहिए, बहुसंख्यक वही है जो पढ़ के आया ना, जो बढ़िया से टीआरई वन की तरह से बढ़िया से जिसको सीटेट और एसटीईटी में बढ़िया से पढ़ाई करके जो पढ़ के आया है वो इन लोगों के रंग में ढल गया है, सबको रंग ढल लिया है। और सबसे बड़ी बात संतोष जी ये है कि ये जो हमारा शिक्षा विभाग का जो नेक्सेस है ना, नेक्सेस फर्जी शिक्षक बहाली करना, स्कूल का फीस में मान लीजिए फॉर्म भराने का है 150 रुपया ले रहे हैं 500 रुपया, ये जो नेक्सेस है ना, ये नेक्सेस का सरदार सब यही सब है, यही 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 मास्टरवा आपका, इसको तोड़ने दीजिए संतोष जी, इसको तोड़ने दीजिए। और जब तक टूटेगा नहीं ना, ये कोई पोस्टिंग ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगा। अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही लोग जाए, हम लोग इस सबको अथी भी नहीं देंगे, मतलब काम किया है उसका जो है सो लाभ भी नहीं देंगे एकदम, क्योंकि सारा खेल का जड़ ये लोग। हम कहे नहीं ऐसे मत घुसाइए सर, अरे सब ऐसा नहीं, ना 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 घुसाने की बात नहीं, बात एकदम सही है संतोष जी। आप इतना फर्जी शिक्षक के खिलाफ अभियान चला रहे हैं ना, हैं देख रहे हैं ना, उक्को आप हम आपका सब दिन खबर देखते हैं, आप सब बिहार के सब प्रिंसिपल से आग्रह कर रहे हैं, हेडमास्टर से आग्रह कर रहे हैं कि आपके यहाँ जो इस शिक्षा कोष पर जिन शिक्षकों का नाम है अगर वो शिक्षक आपके स्कूल में नहीं आया तो आप हमको बताइए, एक भी बताया है आप एकदम सही सही बताइए। हम कहते नहीं एक वो बताया है, बस एक बताया और बाकी कोई नहीं बताया, समझ जाइए आप अपील कर रहे हैं, जांच हम लोग कर रहे हैं, पकड़ाएगा जाएगा हेडमास्टर जेल, लेकिन ये लोग सुनने वाला नहीं है। इतना ना चमड़ी मोटा हो गया है ना संतोष जी, इतना मोटा चमड़ी हो गया है, नहीं सुधरने वाला है। इन लोगों को पाठक जैसा डंडा चाहिए, हम लोग जैसे आदमी की जरूरत नहीं, पाठक जैसा डंडा चले, एकदम वेतन बंद करे, सस्पेंड करे, डिसमिस करे, एकदम हीरोपनी लोगों का बाहर है, मतलब नहीं सुधरेंगे तो नहीं सुधरेंगे तो अब कैसे सुधरना है। अब बता रहे हैं कि पहले बीपीएससी वाले सबको हम लोग प्रिंसिपल बना देंगे, साथ में एगो को अटैच कर देंगे, दस्तखत करने वाला, विड्रॉल करने वाला, उसके बाद देखिए 10 दिन के अंदर में सब सुधर जाएगा और भागेगा गांव में जो